डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 14 एनिमल लाइफ के बारे में सीखा था। तो आज पहले हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स लिखेंगे। आप सबको आपकी नोटबुक में इस तरह से हेडिंग लगवाना है, लेसन नंबर 1414 एनिमल लाइफ। फर्स्ट स्पेलिंग हमने कौन सा टिक किया था बच्चों? अराउंड, AROUND, अराउंड, AROUND, अराउंड। नेक्स्ट स्पेलिंग हमने कौन सा टिक किया था बच्चों? वाइल, WHILE, वाइल, WHILE, नेक्स्ट स्पेलिंग हमने टिक किया था AIR, AIRL, उसके बाद का स्पेलिंग हमने टिक किया था WATER, वाटर, WATER, वाटर। इस तरह से आप सबको टेक्स्ट बुक में देखते जाना है और अपनी नोटबुक में बोलते हुए स्पेलिंग लिखना है। नेक्स्ट स्पेलिंग है फूड, FOOD, फूड। उसके बाद है ग्रो, GROW, ग्रो। नेक्स्ट स्पेलिंग है जीरा, GIRAFFE, जीरा। नेक्स्ट है हिप्पोपोटेमस, HIPPOTAMUS, हिप्पोपोटेमस। नेक्स्ट है जंगल, JUNGLE, जंगल। नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल्स, WILD, वाइल्ड, ANIMALS, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट है बफेलोस, BUFFALOES, बफेलोस। उसके बाद का स्पेलिंग है फार्म्स, FARMS, फार्म्स। नेक्स्ट है डोमेस्टिक एनिमल, DOMESTIC, डोमेस्टिक, ANIMAL, एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल। नेक्स्ट है वेरियस, VARIOUS, वेरियस। नेक्स्ट स्पेलिंग है जैकेट्स, JACKETS, जैकेट्स। उसके बाद का स्पेलिंग है विंटर, WINTER, विंटर। नेक्स्ट है कार्ड्स, CARTS, कार्ड्स। उसके बाद का स्पेलिंग है लॉर्ड्स, LOADS, लॉर्ड्स। उसके बाद कौन सा स्पेलिंग है बच्चों? एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। नेक्स्ट है हैवी, HEAVY, हैवी। नेक्स्ट कौन सा स्पेलिंग है बच्चों? डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। उसके बाद स्पेलिंग है कैमल्स, CAMELS, कैमल्स। उसके बाद कौन सा स्पेलिंग है बच्चों? ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट। उसके बाद का स्पेलिंग है कैचिंग, CATCHING, कैचिंग। नेक्स्ट है ऑल्दो, ALTHOUGH, ऑल्दो। नेक्स्ट है क्लीन, CLEANED, क्लीन। नेक्स्ट है रेगुलरली, REGULARLY, रेगुलरली। उसके बाद का स्पेलिंग है सिल्क वॉर्म्स, SILKWORMS, सिल्क वॉर्म। नेक्स्ट है सब्सटेंसेस, SUBSTANCE। उसके बाद का स्पेलिंग है हनी बी, HONEY, हनी, BEES, हनी बीज। नेक्स्ट है शेल्टर, SHELTER, शेल्टर। नेक्स्ट है डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट। नेक्स्ट है themselves, THEMSELVES, themselves। नेक्स्ट है मोल, MOLES, मोल। उसके बाद का स्पेलिंग है मंगूस, MONGOOSE। उसके बाद का स्पेलिंग है ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड। और लास्ट स्पेलिंग है स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल। तो बच्चों, आप सबको भी आपके नोटबुक में ये सारे स्पेलिंग बोलते हुए लिखना है और लर्न भी करना है। तो बच्चों, अब हम टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज करते हैं। उसके लिए आप सबको पेज नंबर 84 ओपन करना है। वहाँ पे हमें फर्स्ट एक्सरसाइज याद है, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। उसमें फर्स्ट क्या है? द ज़ेब्रा इज अ वाइल्ड ऑब्लिक डोमेस्टिक एनिमल। ज़ेब्रा कैसा एनिमल है बच्चों? वाइल्ड एनिमल। तो आपको वाइल्ड के ऊपर सर्कल करना है। टू नंबर, काउज एंड बफेलोज गिव अस एग्स ऑब्लिक मिल्क। बच्चों, काउ हमें एग्स देते हैं कि मिल्क देते हैं? मिल्क। आपको मिल्क के ऊपर सर्कल करना है। नेक्स्ट है वी गेट
वूल, ब्लैंक हनी फ्रॉम शिप, हमें शिप में से क्या मिलता है बच्चों, वूल की हनी, वूल, तो हमें वूल के ऊपर सर्कल करना है। नेक्स्ट है फोर नंबर, डोंकीज एंड हॉर्सेस पुल्स ट्रेन ऑब्लिक कार्ट, डोंकी एंड हॉर्स क्या पुल यानी कि क्या खींचते हैं बच्चों, कार्ट्स, CARTS कार्ट्स, आपको उस पर सर्कल करना है। फाइव नंबर, मोल्स लिव इन केव्स ऑब्लिक होल्स, बच्चों मोल्स है वो किस में रहते हैं, होल में, आपको होल्स पे सर्कल करना है। नेक्स्ट है वल्चर या डियर ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल, जो डेड एनिमल यानी कि मरा हुआ एनिमल है उसका मीट कौन खाता है बच्चों, डियर की वल्चर, वल्चर, डियर है वो तो ग्रास वगैरह खाता है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग, फर्स्ट व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स क्या है, गिव एग्जांपल और उसके एग्जांपल भी लिखने हैं, आप सब लोग भी मेरे साथ आंसर लिखते जाना। बिग एनिमल विच लिव इन जंगल आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल, एग्जांपल आर लायन, टाइगर, बेयर एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल क्या है, गिव एग्जांपल, उसके एग्जांपल भी लिखने हैं। सम एनिमल्स विच आर कैप्ट ऑन फार्म्स और इन होम्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल, उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, काउस, बफेलोज, शीप, हॉर्सेस। थ्री नंबर, नेम एनी थ्री थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल, हमें ऐसी तीन चीज़ के नेम बताने हैं जो हमें डोमेस्टिक एनिमल में से मिलता है। फर्स्ट मैंने लिखा है काउस, बफेलोज एंड गॉट्स गिव अस मिल्क, काउ, गॉट एंड बफेलो हमें मिल्क देते हैं। टू नंबर, डॉग्स एंड हैंस गिव अस एग्स, डॉग्स और हैंस है वो हमें क्या देते हैं बच्चों, एग्स देते हैं। थर्ड मैंने लिखा है वी गेट वूल फ्रॉम शीप, शीप में से हमें वूल यानी कि ऊन मिलता है। क्वेश्चन नंबर फोर, विच एनिमल्स आर यूज टू कैरी लोड्स, कौन से एनिमल हमें लोड्स यानी कि जो वजन है वो कैरी यानी कि उचकने में मदद करता है, डोंकीज एंड हॉर्सेस पुल कार्ट्स एंड कैरी लोड्स, डोंकी और हॉर्स है वो लोड्स को कैरी करने में हेल्प करते हैं और कार्ट्स को भी खींचते हैं। फाइव नंबर, वाई डू एनिमल्स नीड शेल्टर, बच्चों एनिमल्स को शेल्टर यानी कि घर किस लिए चाहिए, एनिमल्स नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एंड अदर एनिमल्स, एनिमल्स को शेल्टर यानी कि छत की जरूरत क्यों होती है बच्चों, किससे प्रोटेक्शन मिलने के लिए, गर्मी ठंड बारिश और दूसरे एनिमल्स से बचने के लिए एनिमल्स को भी छत की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, सर्कल द डोमेस्टिक एनिमल, हमें नीचे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के नेम दिए हैं तो उसमें से हमें डोमेस्टिक एनिमल पर सर्कल करना है। फर्स्ट है काउ तो वो डोमेस्टिक एनिमल है तो उस पर मैंने सर्कल किया है। नेक्स्ट है एलिफेंट, वो तो वाइल्ड एनिमल है तो उस पर हमें सर्कल नहीं करना है। उसके बाद है डियर, वो भी वाइल्ड एनिमल्स है। नेक्स्ट हमें दिया है हॉर्स तो वो डोमेस्टिक एनिमल है तो उस पर आपको सर्कल करना है। उसके बाद है शीप, वो भी डोमेस्टिक एनिमल है तो उस पर भी हमें सर्कल करना है। नेक्स्ट है कैमल, वो भी डोमेस्टिक एनिमल है तो उस पर भी हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है डोंकी, गोट, वो दोनों भी डोमेस्टिक एनिमल है तो उन दोनों पर हमें सर्कल करना है। और लास्ट में हमें दिया है हिप्पोपोटामस तो वो वाइल्ड एनिमल है उस पर हमें सर्कल नहीं करना है। अब लास्ट में हमें एक वर्क स्टेशन दिया है, उसमें हमें दो एक्टिविटी करनी है। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, स्टिक पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर होम्स इन योर स्क्रैप बुक, आप सबके पास स्क्रैप बुक तो है तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के पिक्चर स्टिक करने हैं और उसके नीचे आपको उसके होम्स यानी कि वो किस में रहते हैं उसके पिक्चर भी स्टिक करने हैं। ऑल्सो स्टिक पिक्चर्स ऑफ द फेवरेट फूड ऑफ ईच एनिमल, और आपने जो भी एनिमल्स के पिक्चर स्टिक किए हैं उस एनिमल का फेवरेट फूड कौन सा है वो भी फूड आइटम्स के पिक्चर भी आप सबको नीचे स्टिक करने हैं। और दूसरी एक्टिविटी क्या है, मेक अ पेपर प्लेट एनिमल मास्क, देखो आप लोग एक पेपर प्लेट में से इस तरह से एनिमल मास्क भी बना सकते हो। तो बच्चों आप ये एक्टिविटी भी करना, उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। बच्चों आज हमने लेसन नंबर 14 की जो एक्सरसाइज की है वो आप सब लोगों को भी अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी होगी।